सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में कटोरी चना चाट की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए देखते हैं कि कटोरी चना चाट बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स कौन से रिक्वायर होंगे। उसके लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने एक प्याली बॉइल्ड आलू लिए हैं जिनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, एक कटोरी चने उबले हुए, आधा कप हमने इमली का सिरप लिया है, आधा चम्मच चाट मसाला, किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दो हरी मिर्चें बारीक चॉप, छोटी प्याज हमने बारीक बारीक चॉप कर ली थी, एक अदद मैंने ककुम्बर यानी कि खीरा लिया और उसको बारीक चॉप कर लिया है, इसके साथ हमने एक टमाटर लिया है और उसको भी चॉप कर लिया है, नमक 1/4 टेबलस्पून, आप इसको हस्बे जरूरत इस्तेमाल करें, और इसके साथ 1/4 टेबलस्पून जो है मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है। और आज की सबसे मेन इंग्रेडिएंट वो है हमारे पास ये कटोरी जिसमें आज हमने चना चाट बनानी है। ये मैंने दो कटोरियां बनाकर अपने पास रख ली हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमने ये कटोरियां किस तरह बनाई हैं। तो एक क्विक रिव्यू में देखते हैं कि ये किस तरह बनेंगी। चलिए व्यूअर्स, अब आटा लेंगे और आटे को लेकर उसके पेड़े बनाते हैं। जैसे आम आटा लेते हैं बिल्कुल वैसे आपने आटा लेकर इसका पेड़ा बना लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इस तरह दो पेड़े बना लिए हैं। अब हमने क्या करना है, पेड़ा बनाने के बाद इसके साथ हमने एक ये कौली या कटोरी ली है स्टील की। आज की जो वीडियो है उसमें इस कटोरी का बहुत ही अहम रोल है, इसलिए मैंने एक स्टील की नॉर्मल साइज की कटोरी ले ली। आप चाहे तो जो भी घर में अवेलेबल है वो कटोरी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब मैं क्या करूंगी, इस पेड़े को बेल लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मेरी जो एक रोटी थी मैंने इसको बेल लिया है। बेलने के बाद मैं इसको कर दूंगी साइड पर, सेम इसी पैटर्न पर मैं दूसरी रोटी को भी बेल लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारी जो दोनों रोटियां थी पेड़े वो मैंने बेल ली, और बेलने के बाद मैंने इस तरह इतने साइज की इसकी रोटी बना ली है। अब हमने क्या करना है, ये कटोरी पकड़नी है, इसको रखना है सेंटर में और इस रोटी को उठाकर इसके अंदर रैप करते जाना है। अच्छे से आपने इस पे रैप कर लेनी है दबाकर। इस तरह से ये देखे पूरा एक हमने कटोरी का जो कवर है वो बना दिया है। बनाने के बाद अब हमने क्या करना है, ये अच्छे से इसके ऊपर एडजस्ट हो गया है। अब हमने इसके जो किनारे हैं ये कट कर देने हैं। आपने बहुत अच्छे से इसके किनारे कट करने हैं ध्यान से, हल्के हाथ से। ये अब कर लूंगी मैं साइड पर। ये हमारा आटा वेस्ट नहीं हुआ, हम इसकी पापड़ियां बना सकते हैं। इसको रखते हैं इस तरह। अब सेम इसी पैटर्न से हम दूसरा भी तैयार करेंगे। ये अब हमारी दो जो कटोरियां हैं वो तैयार हो गई हैं। अब मैं करती हूँ कढ़ाई में तेल गरम और इसको करते हैं हम फ्राई।
ये देखें व्यूअर्स, मैंने एक कढ़ाई में जो तेल है वो डालकर अच्छे से गर्म कर लिया है। नॉर्मल सा हमने इसको गर्म करना है। अब मैं डालकर एक चेक कर लेती हूँ। जी व्यूअर्स, हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। लो टू मीडियम रखकर हमने इसको फ्राई करना है। अब मैं जो अपने कटोरे पर ये हमने मटेरियल लगाया था इसको करने लगी हूँ मैं फ्राई। इसको हमने करना है अच्छे से डीप फ्राई। ये अपने आप ही इसके किनारे छोड़ देगा। अच्छे से हमने इसको फ्राई करना है। इसको हमने गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। ये देखें व्यूअर्स, इसने खुद ब खुद जो इसके किनारे हैं वो छोड़ दिए हैं। मैं आपको चारों तरफ से इसको घुमाकर दिखाती हूँ। और अब हम क्या करेंगे, अपने अंदर से जो कटोरी है इसको निकाल लेंगे एहतियात के साथ। ये अपने आप जो हमारी कटोरी है वो निकल आई है। इसको आपने इस तरह से अच्छे से जो है वो फ्राई कर लेना है। हम इसकी करते हैं साइड चेंज। इस पे बहुत ही खूबसूरत जो इसका कलर है वो आ चुका है। अब मैं इसको थोड़ा सा डालकर अच्छे से जो है वो फ्राई करूंगी गोल गोल घुमा के, ताकि ये इक्वली जो इसका कलर है वो अच्छे से इसके अंदर आ जाए। इस तरह से आपने ऑयल ले लेना, लेकिन एहतियात के साथ, जब तक ये अंदर से भी हल्का सा गोल्डन होगा हम इसको इसी तरह करते जाएंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छे से पक जाए। ये आप देख लें, दोनों तरफ से हमारा जो कलर है वो अच्छे से आ चुका है। अब सेम इसी तरीके से जो है हम अपनी दूसरी कटोरी भी इसके अंदर डालेंगे और फ्राई करेंगे। मैं इसको भी निकाल लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारी जो कटोरियां हैं वो बनकर तैयार हो चुकी हैं। मैं आपको दोनों तरफ से दिखा देती हूँ। ये दो मुख्तलिफ शेप की हमारी कटोरियां थी जिनको हमने लेकर फ्राई कर लिया। चलिए अब जो है हम इसमें फिलिंग करते हैं चाट की। उम्मीद करती हूँ कि आपने कटोरियां बनानी सीख ली होंगी। अब हम क्या करेंगे, एक बॉल लेते हैं और उसमें सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स करते हैं। मैंने एक बोल ली और एक बोल के अंदर मैंने ऑलरेडी चने जो हैं वो बॉईल करके डाले हुए हैं। चने हमने डाल दिए इसके अंदर, आलू, टमाटर, खीरा, प्याज, हरी मिर्च, चाट मसाला और थोड़ा सा नमक इसमें शामिल। अब मैं करूंगी इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स। इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे इमली का सिरप पल्प समेत। आप पल्प निकाल भी सकते हैं। अब इसको भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब यहाँ तक जो हमारी चना चाट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कटोरी लेंगे और उसके अंदर फिलिंग करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो चना चाट थे वो हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। मिक्स करने के बाद इनको मैंने छोड़ दिया साथ। अब हम लेंगे एक कटोरी और कटोरी में डालेंगे अपनी ये चाट। तो चलिए अब मैं इसके अंदर चाट डालूंगी। बिस्मिल्लाह। अब जिस तरह मैंने ये फिल किया सेम इसी तरीके से मैं अपनी दूसरी कटोरी को भी फिल कर लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने अपनी कटोरियां जो हैं अच्छे से फिल कर ली है और इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ 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 हमारे
चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को डेली बेसिस पर अपने फैन सर्कल में लाजमी शेयर करें। इससे क्या होगा, मजीद हमें आपकी लव और सपोर्ट मिलेगी। इसको घर पर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में बताना मत भूलें कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।